चाना इकबाल स्कैंडल के हवाले से शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी। एहतसाब अदालत में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी। एहतसाब अदालत के इतराफ में तायुनात है। कंटेनर्स लगाकर एहतसाब अदालत के इजाफी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। बात कर लेते हैं मोहम्मद सकलैन जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। सकलैन बताइएगा आज की पेशी से मुतालिक। जी महानूर, एहतसाब अदालत के जज नजमुल हसन के रूबरू आज साबिक वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ को राहदारी रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। शहबाज शरीफ को 23 नवंबर को होने वाले कौमी असम्बली के इजलास में इस्लामाबाद ले जाने के लिए राहदारी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। इस ज़िमन में नैब प्रोसिक्यूटर वारस अली जुंजुआ नैब की तरफ से ये दरख्वास्त अदालत के रूबरू पेश करेंगे, जिसमें बताया जाएगा कि शहबाज शरीफ को कौमी असम्बली के इजलास में पेश करने के लिए इस्लामाबाद ले जाने की ज़रूरत है, लिहाजा राहदारी रिमांड दिया जाए। इस केस में शहबाज शरीफ को आशियाना इकबाल स्कैंडल में अपने इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल और माली बेजाबतियों के इल्जाम में गिरफ्तार किया जा चुका है। इस केस में शहबाज शरीफ 24 नवंबर तक जिस्मानी रिमांड पर नैब की तहवील में थे, लेकिन कौमी असम्बली के इजलास की वजह से उनको दो रोज कबल ही आज अदालत के रूबरू पेश करके उनके राहदारी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। शहबाज शरीफ वगैरह पर इल्जाम है कि उन्होंने आशियाना इकबाल स्कैंडल में फवाद दसन फवाद और आह चीमा वगैरह के साथ मिलकर वसी पैमाने पर माली बेजब्तगियाँ की, अपने इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल किया था, जिसके बिना पर अब तक नैब 8 मुल्जमान को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ के अलावा फवाद हसन फवाद, आह चीमा, शाहिद शफीक, इसरार सईद, बिलाल कुदवई और इसके अलावा आरफ भट्ट वगैरह शामिल हैं, जिनको जिनके खिलाफ बाकायदा रेफरेंस भी दायर किया जा चुका है। इनमें से 4 मुलजमान आह चीमा, इसरार सईद, शाहिद शफीक और बिलाल कदवई के खिलाफ ये रेफरेंस दायर किया गया है, और इसरार सईद और आरफ भट्ट जो हैं ये जमानत पर हाईकोर्ट से रिहा हैं, जबकि फवाद हसन फवाद और शहबाज शरीफ के खिलाफ अब तक आशियाना इकबाल में रेफरेंस दायर नहीं किया जा सका। इस हवाले से ये भी कहा जाता है कि इन मुलजमान ने अपने इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल करते हुए कासा कंपनी को नवाजने के लिए नाजायज तौर पर ठेका दिया, जिसकी वजह से कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा था। इसमें सबसे पहले ये आशियाना इकबाल में लतीफ़ एंड सन्स को ये ठेका दिया गया था, लेकिन बाद अजा इनको अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल करते हुए इन्होंने ये ठेका मनसूख किया, और एक साल बाद जब ये ठेका कासा कंपनी को दिया गया तो ये 1 अरब रुपए का प्रोजेक्ट जो है 4 अरब रुपए तक पहुंच चुका था, जिसके बायस नैब ने शिकायत मौसूल होने पर इनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया था। अब तक नैब 8 मुलजमान को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि शहबाज शरीफ वगैरह पर यह भी इल्जाम है कि उन्होंने रमजान शुगर मिल में भी अपने इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल किया था, जिस पर नैब की तरफ से उनको भी इस हवाले से तहवील में लिया जा चुका है, और गुज़श्ता तारीख समाअत पर एहतसाब अदालत से उनके इस्तदा की गई थी कि इस पर भी उनका जिस्मानी रिमांड दिया जाए। इस हवाले से यहाँ पर बताते चलें कि शहबाज शरीफ की पेशी के मौके पर यहाँ पर सख्त हफाजती इंतजाम किए गए हैं और इर्द गिर्द की सड़कों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है, जबकि पुलिस के सैकड़ों एहलकार यहाँ पर तैनात हैं, जिनमें सफ़ेद पोश एहलकार भी शामिल हैं, जबकि रेंजर्स के जवान भी पहुँच चुके हैं जो हाथा अदालत में मौजूद हैं, जबकि यहाँ पर भी तकरीबन 7 से 8 सिक्योरिटी हिसार बनाए गए हैं, जिनमें जो यहाँ पर कारकुनों लीगी कारकुनों और दीगर लीडरान को रोकने के लिए जवान जो ड्यूटी पर चौकस हैं, और इस हवाले से सख्त इंतजाम किए गए हैं और तवक्कुल की जा रही है।